गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे और नए ब्लॉग में। तो सो गाइस, इस टाइम हम लोग हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज हम लोग की जर्नी होने वाली है उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ के लिए। हम लोग की ट्रेन है आज लखनऊ, वाराणसी लखनऊ सुपरफास्ट शटल एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 20401। और सो गाइस, इस ट्रेन से हम लोग जाने वाले हैं लखनऊ। तो सो गाइस, चलिए अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये वाराणसी से सुबह 6 बजे निकलती है और 4 घंटे 10 मिनट में आप सुबह 10:10 पे लखनऊ पहुंचा देती है। ये एक मात्र ऐसी ट्रेन है जो 4 घंटे 10 मिनट में लखनऊ पहुंचाती है, राजधानी है। फिर उसके बाद ये है, मतलब कि और ट्रेनों से सबसे पहले पहुँचाती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात। का जो ये ट्रेन है ना 20401, ये रन्स डेली यानी कि हफ्तों के 7 दिन चलती है सुबह 6 बजे वाराणसी जंक्शन से। और यही ट्रेन उधर से 20402 लखनऊ से शाम को 6 बजे निकलती है और वाराणसी जंक्शन रात को 10:10 पे पहुंचाती है। तो सो गाइस, हम लोग को पता चला है कि हम लोग की ट्रेन 20401 प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगी हुई है। तो सो गाइस, चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे और अपनी ट्रेन में बोर्ड करते हैं। तो सो गाइस, ये रही वाराणसी प्रतापगढ़ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और ये रही अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। ये है वातानुकूलित एसी चेयर कार। बताया अपनी ट्रेन 6 बजे खुलने को है, आपसे बताया था बस मतलब 3 मिनट बचे हैं, बट आपका भाई लोकोमोटिव जब तक नहीं दिखाएगा तब तक जर्नी मज़े के आएंगे। लोकोमोटिव दिखाएंगे तब जर्नी कंटिन्यू करेंगे। 3 मिनट बचे या फिर 1 मिनट बचे, लोकोमोटिव देखना जरूरी है। सो गाइस, बस लोकोमोटिव पास पहुँच चुके हैं, पीछे ध्यान मत दीजिए, वो नहीं अपनी लोकोमोटिव भी ले चलते। तो सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं लोकोमोटिव के पास और ये रहे पीछे अपनी ट्रेन और ये देख रहे ऊपर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और सो गाइस, ये रहा अपना लोकोमोटिव। पीछे साइड में जो देख रहे हैं ये है अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव, इसमें लगा है गाजियाबाद सेट का WAP 7, जो कि हम लोग की मंजिल तक ले जाएगा यानी कि लखनऊ तक। भाई अब तो वीडियो को लाइक कर दो, 3 मिनट के अंदर लोग मुझे दिखाए हैं इतने जल्दी जल्दी में। तो भाई चलिए चलते हैं अब अंदर, दुकान बहुत ज़्यादा छुट्टी है। चाय कॉफ़ी है कुछ, एक दे दीजिए। तो भाई राइट 6 तो बज चुके हैं बट अपनी ट्रेन अभी यहीं पर लगी हुई है, तब तक हम कॉफ़ी ले लेते हैं। गर्म कर रहे हैं क्या भाई, गर्म कर रहे हैं क्या? तो भाई फाइनली अपने ट्रेन की कॉफ़ी हो चुकी थी, लास्ट वक्त में हमने कॉफ़ी ले लिया है। कॉफ़ी नहीं गाइस, चाय कुछ भी मिले बस मिल गया ना बस। तो भाई चलिए देखते हैं डिपार्चर, और ट्रेन भी रवाना हो चुकी है और ये अपना चाय भी आ गया। चाय भी ठीक ठाक है, स्टेशन वाली सुबह सुबह मिल जाए। ओके, ट्रेन नंबर 1406 लिच्छवी एक्सप्रेस फ्रॉम आनंद विहार टर्मिनल टू सीतामढ़ी वाया मऊ भटनी छपरा जंक्शन हैज बीन कैंसल्ड टुडे, इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज डीपली रिग्रेटेड, थैंक यू। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1 4 एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से चलकर मऊ भटनी जाने वाली आज रद्द कर दी गई है। आगे कोई असुविधा के लिए हमें धन्यवाद। तो सो गाइस, अपनी ट्रेन तो रवाना हो चुकी है बट अभी उजाला नहीं हुआ यानी दिन नहीं हुआ है, तो क्या ही दिखाएं आप लोगों को। और ये वाला जो रूट है जौनपुर सुल्तानपुर निहालगढ़ वाला, ये काफ़ी हम कवर कर चुके हैं, तो जब दिन होता है तब आपसे सीधे मिलते हैं। तब तक हम लोग चलते हैं, सीट पर बैठते हैं
और सैड गाइस, अपनी ट्रेन रुक चुकी है। तो सुबह सीधे मिलते हैं दिन में, अगर सनराइज हुआ तो सनराइज व्यू के साथ। और सो गाइस, अगर सुबह सुबह की ट्रेन रहती है ना, तो मानो कि रात भर नींद तो आती नहीं है, और हमें तो एकदम नहीं आई, रात भर नहीं सोए। या आप लोग को मेरे चेहरे से लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, वो तो आप लोग ही समझेंगे ना, बट रात भर नींद नहीं आई है। और अभी ट्रेन अभी क्रॉस की है बीरापट्टी, तो क्रॉस अभी जौनपुर आने में फर्स्ट फ्रंट काफ़ी टाइम है, तब तक सोच रहे हैं थोड़ा सा एक नींद ले लिया जाए। सुराइस, और अभी दिन भी नहीं हुई है, तो फिर आपसे मिलते हैं दिन होती है तो, और फर्स्ट फ्रंट आता है जौनपुर तो। जौनपुर आ गई। जौनपुर जलेबी फेमस है। वाह, पहली बार सुने। जौनपुर में भी कुछ फेमस है। गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 57 किलोमीटर डिस्टेंस का, तो हमने फर्स्ट हॉल्ट। और ये देखो चेहरा पे लाइट देखो, और यहाँ पे अपनी ट्रेन आई है 5 मिनट डिले, और अभी अपनी ट्रेन के यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, और थोड़ी सी अपनी ट्रेन लेट हो गई 5 मिनट बस। और सो गाइस, जो इस टाइम सुबह सुबह का मौसम है ना स्टेशन का, क्या ही बताएं आपको, एकदम ठंडी सुहाना मौसम हवा चल रही है एकदम धीरे। और जौनपुर सिटी का स्टेशन कोड है JOP। ये लखनऊ शटल एक्सप्रेस ना, यहाँ पे जौनपुर सिटी से ना काफ़ी पैसेंजर बोर्ड करते हैं, जैसा कि आपने अराइवल के टाइम देखा होगा काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बस वही है। यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसेंजर बोर्ड करते हैं, और वो लोग पूरे के पूरे लखनऊ वाले पैसेंजर होते हैं। तो यहाँ से ट्रेन पैक होने वाली है अभी तक। तो सो गाइस, 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन रवाना हो चुकी है जौनपुर सिटी से। और सो गाइस, मौसम देखिए क्या एकदम मस्त वाली मौसम लग रही है, और ठंडी हवा जो लग रही है ना काफ़ी अच्छी लग रही है, दिल तक सुकून पहुंचा रहा है। और ये रहा जौनपुर सिटी। सो गाइस, आप लोग बोलोगे क्या हवा चल रही है, मजाक कर रहे हैं, लेकिन बालों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो पता चल जाएगा हवा चल रही है या नहीं चल रही। काफ़ी मस्त वाला मौसम हो रखा है गाइस, सच्ची लिटरली। सो गाइस, जो आपने क्लिप देखा इससे पहले काफ़ी थोड़ा भीड़ भाड़ वाला था ना, तो वो अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट लम्बुगा में है, तो अपनी ट्रेन ना प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकी, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल ट्रेन कोई खड़ी है, पीछे एक साइड आपको दिख रहा होगा, और एक ये जो आगे है ये ट्रेन खड़ी थी, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाई, तो लोग सोचने लगे प्लेटफॉर्म किधर है, और सभी लोग इधर उधर करने लगे। कुछ लोग इस साइड उतरे तो कुछ लोग उस साइड उतरे, आप लोग ने क्लिप तो देखा ही होगा। फाइनली रवाना हो चुकी है अपनी ट्रेन लम्बुआ से। तो सो गाइस, फाइनली हम लोग 143 किलोमीटर डिस्टेंस का अपने
फोर्थ हॉल्ट पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड SLN, और पीछे भीड़ देखे ना कितनी ज़्यादा थी। मतलब कि उतरने वाले पैसेंजर एक हम ही थे और चढ़ने वाले तो भाई साहब अनगिनत थे, हम तो लगते थे उसमें दब जाएंगे बट बच गए। और सुल्तानपुर इतना सुवाइज दो दिन के अंदर दूसरी बार आना हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने बेगमपुरा में जर्नी की थी तो उस ट्रेन में से आए थे और फिर अब आ गए हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो सुल्तानपुर है ना कर्व प्लेटफॉर्म है, मतलब कि कर में बना है, तो पीछे दिख रहा होगा आप लोग को, हाँ दिख रहा है, तो ये चीज़ हमें काफ़ी अच्छी लगती है सुल्तानपुर की। कितने का हो? पहुँच चुके निहालगढ़, और क्या नाम लोग का ये 10 मिनट डिले, और निहालगढ़ के फेमस समोसे देख रहे हैं ना, काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ के, फेमस हैं निहालगढ़ के। निहालगढ़ का स्टेशन कोड है NHH, और हम लोग ट्रेन के यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। और जो हमने समोसा लिया था ना वो गाइस मेरा नहीं था, वो को पैसेंजर थी एक आंटी जी, वो उनका था। मेरा खाने का मन था बट हम नहीं खाएं, क्योंकि अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं, तो समोसा खाने का मन नहीं कर रहा, सुबह सुबह ऑयली ऑयली ना, इसलिए मन नहीं किया है। अब सीधे लखनऊ भी पहुंचेंगे तो कुछ ट्राई करेंगे। और सुबह इधर अपनी ट्रेन का हॉन्क हो चुका है, मतलब उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जा रही है बेगमपुरा, देख रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हमने जर्नी की थी वाराणसी जम्मू तभी तक, वो भी जर्नी आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, सभी ट्रेनें की जर्नी जो की थी आज ही मिल रही हैं। और इसी से हम रिटर्न भी आए थे उस दिन नगाइस, ये ट्रेन आई थी 4.5 घंटे लेट, जो कि रवाना हो गई वाराणसी के लिए आज बिल्कुल ऑन टाइम है बेगमपुरा। ये देखिए कितने पैसेंजर उतरे हैं निहालगढ़ में बेगमपुरा से, अच्छे खासे पैसेंजर उतरे हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना सरसों के खेत, येलो येलो फ्लावर एकदम तगड़े लग रहे हैं। छोटे बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं, यो सीन सबसे बढ़िया है।
यशवंतपुर लखनऊ, ये है एसी टू टायर का मॉडर्न कोच। ये है हम सफर का कोच। ये आ गया स्लीपर क्लास। आज अपनी ट्रेन तो और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ा चुकी है और ये पैदल ट्रेन चलता है यहीं पे ख़त्म और लखनऊ बाय बाय यशवंतपुर लखनऊ। बस्ती वाले हैं अपनी दुकान में खोल रखे हैं इधर इधर, ये देख लीजिए। अभी तो ट्रेन हम की थोड़ी आगे है ना, पीछे साइड अब कोच है ना, उधर दुकान वकान भी हैं और देखिए काफ़ी पैसेंजर यहीं पे उतर गए हैं। तो ये एक ऑफिशियल हॉल्ट है गाइस हर ट्रेनों का। ये रही अपनी वाराणसी लखनऊ। तो गाइस फाइनली वी आर अराइव्ड लखनऊ चारबाग, यानी कि अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, और अपनी जर्नी होती है समाप्त। और अगर जर्नी एसेंस के बारे में बात करें तो जर्नी एसेंस एकदम एक नंबर की थी, क्योंकि ट्रेन ना काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी इसको प्रायोरिटी भी मिली है। और अपनी ट्रेन यहाँ पर लाई है हम लोग को, बस अप्रॉक्स 1 मिनट बताते हैं, ट्रेन हम लोग को यहाँ पर लाई है अप्रॉक्स 20 मिनट डिले रीज़न में जैसे, बट लेकिन ये ट्रेन अप्रॉक्स 4 आवर 10 मिनट में जैसा कि आपको बताया था अपने टाइम में पहुंचा देती है, जो कि फास्टेस्ट ट्रेन है वाराणसी टू लखनऊ। ट्रेन की साफ सफाई की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा था, वॉशरूम भी अच्छा था, वेसिन वोसिन सब चीज़ अच्छा था। अंदर गए थे देखे थे, बस वीडियो नहीं बनाया वहाँ पे, लेकिन सब कुछ अच्छा था। सो गाइस तब तक के लिए आप अगर वीडियो अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये जर्नी कैसी लगी। और तो गाइस अगर चैनल नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और पीछे ही हो रही अपनी लखनऊ शटल रन, सारे पैसेंजर उतर चुके हैं। सो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली ब्लॉग्स की आप पहुँच सके। सो गाइस तब तक इस ब्लॉग को करते हैं एंड, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।